ओके भेजो मेरे को। एक मिनट के लिए हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मेरे दिन की शुरुआत कर रही हूँ 11:30 बजे। बहुत ही ज़्यादा लेट है क्योंकि मैं है ना कुछ दिन से व्लॉग कर ही नहीं रही थी। एक्चुअली मेरे बर्थडे के बाद से मैं व्लॉग नहीं कर रही थी। 25, 26, 27, आज 28 तारीख है और आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। 3 दिन का लिया था मैंने ऑफ, और ये ऑफ मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आज से कंटिन्यू व्लॉग स्टार्ट है, रोज बैक टू बैक आने वाले हैं। तो अभी रूम वगैरह थोड़ा कर देती हूँ क्लीन, उठी भी लेट हूँ और काम भी थोड़े धीरे धीरे ही हो रहे हैं क्योंकि हम बॉडी को रेस्ट देते हुए काम कर रहे हैं इसीलिए। और आज मैंने मेरे बाल कुछ डिफरेंट टाइप से बनाए हैं और मेरे बाल आज मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सिल्की हो गए इसलिए। तो अभी मैं बेड वगैरह अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और रूम की हमने की है, एक दिन तो हमने ऑफिस ले लिया था क्योंकि रीट के एग्ज़ाम्स थे तो सारा यानी नेट वगैरह सब बंद था और उस दिन मेरे को भी व्लॉग शूट करने की इच्छा नहीं थी। तो हमने पूरा रूम अच्छे से क्लीन किया है चिकू ने और हम दोनों ने मिल के, और काफ़ी अच्छा क्लीन हो चुका है। तो अभी बना लेते हैं खाना और रूम वगैरह क्लीन कर देते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। अभी बना रही हूँ मैं खाना, मैंने और मम्मी ने मिलकर खाना बना दिया है और अभी चल रहे हैं श्राद्ध। तो आज हमारे बड़े दादाजी का श्राद्ध है तो उसी के उपलक्ष्य में हमने बनाई है खीर पूड़ी। और ये पूड़ी हो गई है लगभग तैयार, इसमें लगभग सारी पूड़ियाँ चिकू ने तली है और मैंने बेली है और मम्मी ने ये खीर बनाई है। तो ये बस कौवे को देने के लिए खाना तैयार कर दिया, वो खाना भी खाते हैं। तो अभी ये पापा देने के लिए जाएंगे कौवे को और कौवे आके खाएंगे। कहते हैं श्राद्ध में कौवे को खाना देना चाहिए, कगोवा इनके थे हमारे। तो अभी वही करेंगे और बस ये पूड़ियाँ तैयार हैं। दिखा दो पूड़ियाँ अपनी जो तुमने जलाई, वो भी दिखाओ। किधर रखना? खाना वगैरह सब हो चुका है, अब चलते हैं शॉप की तरफ। तो शॉप पे जाके आपसे मिलते हैं। पीछे की शॉप हो गई है मंगल और अभी जा रहे हैं हम शॉप के अंदर। और शॉप में कुछ आए हैं न्यू प्रोडक्ट्स, वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी आया हुआ है ओरिगामी का कंप्लीट और इसके अंदर सारे टिश्यूज अवेलेबल हैं। प्रीमियम रेंज के भी टिश्यूज़ हैं इसके अंदर और नॉर्मल भी हैं, किचन टॉवल्स भी हैं, क्लीनिंग टॉवल्स भी हैं। और अभी आया है हमारे पास एक और, 3 ब्रांड्स आई हैं कुल मिला के और एक हो गई ओरिगामी, सेकंड है ये लिक। इसके अंदर नेल एक्सटेंशन का है पूरा कंप्लीट और आई लैशेज हैं, दोनों ही प्रीमियम क्वालिटी की हैं। और थर्ड आई है ब्रांड जो कि एकदम मस्त वाली ऑर्गेनिक है, यानी बहुत ही अच्छी है। और इसके प्रोडक्ट्स आए हैं ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट,
इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्किन केयर है, यानी स्किन केयर सारा हर्बल है और जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है उस हिसाब से सारे सॉल्यूशंस हैं। और ये भी बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है और इसकी क्वालिटी एकदम देखा जाए ना तो प्रीमियम है, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसकी यानी और अभी चिकू फ़िलहाल ये ही यूज़ कर रहे हैं 2 दिन से और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे सूट होता है। तो 1 दिन मैंने भी यूज़ किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, ओरिगामी के वेट टिश्यूज़ भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी अफोर्डेबल हैं, वैल्यू फॉर मनी हैं सारे प्रोडक्ट्स और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। कुल मिला के क्वालिटी इतनी अच्छी है ना कि मज़ा आ जाएगा यूज़ करने में। और नेल्स तो सारे एक से बढ़ के एक हैं, है ना ज्योति, मस्त नेल्स एक एक। और टिश्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं और नेल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और अभी आया है, अभी 3 ब्रांड आई हैं, फर्स्ट है ओरिगामी, सेकंड है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट और थर्ड है लिक, जिसमें नेल एक्सटेंशन है, ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। ब्यूटी ब्लेंडर्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जो कि मैं एक यूज़ कर रही हूँ अभी, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और आई लैशेज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है जो एकदम नेचुरल लुक देती हैं, क्योंकि आई लैशेज़ में क्या होता है ना कि जो नॉर्मल होती हैं वो एकदम आर्टिफिशियल लुक देती है, पर ये एकदम नेचुरल लुक देंगी और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। यानी इसके सभी चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें प्रीमियम है और सच में प्रीमियम क्वालिटी है इनकी। और आज मैंने पूरे दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था 3-4 दिन से मेरी तबीयत थी कुछ ख़राब, आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ इसलिए आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और व्लॉग करते करते आज एनर्जी आ गई है और हाथ दर्द हो रहा है तो बार बार मैं नीचे रख रही हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको पता भी चल रहा होगा वीडियो में कि कैसे हो रहा है। बस यही, अब कुछ देर में जाएंगे घर पे, आज थे शॉप पर बहुत सारे काम निपटाए हैं और अब चलेंगे घर। अभी आ गई हूँ घर पर और अब करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा वीक फील कर रही हूँ इसलिए, तो रेस्ट वगैरह थोड़ी देर करती हूँ, फिर बनाना है खाना। तो चलिए देखते हैं आज खाने में क्या बनता है। अभी मैं खाना खा रही हूँ और इतनी ज़्यादा बिजली हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, और चिकू अभी ऊपर गोप्रो माउंट करके आए हैं, देखते हैं कैसा सीन आता है। अगर कुछ अच्छा कैप्चर होता है तो ज़रूर वीडियो में डालेंगे। खाना खाते खाते भी डर लग रही है, आपको आवाज़ आ ही रही होगी, पटाखे फूट रहे हैं हवा आसमान में। तो ये रियल साउंड है, रियल। आपने सुनी होगी कैसी आवाज़ें आ रही है बाहर से, और मेरे कैमरे के ऊपर भी पानी लग गया है। एक्चुअली क्या, हमने कैमरा बाहर की तरफ माउंट कर दिया था तो कुछ आपके लिए अच्छा शूट कर पाए हूँ करके। और सच में बताऊँ इतनी ज़्यादा डर लग रही थी मुझे, मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डरती हूँ थंडरिंग से, और इतनी ज़्यादा आवाज़ थंडरिंग की, यानी पटाखे 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 पटाखे, अभी लग रहा है पटाखे उधर साइड के फूट रहे हो। अब आपके पास आएंगे बैक टू बैक अच्छे से अच्छे व्लॉग्स और मेकअप के बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल, क्योंकि हम कुछ नया यानी सोच रहे हैं। 3 दिनों में सिर्फ रेस्ट ही नहीं किया है, काफ़ी आपके लिए नए नए आइडियाज़ सोचे हैं जो कि आपके पास आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ओके बाय, यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।